प्रिय दोस्तों, अभी हमारे टीवी स्क्रीन में एक भारत की महिला है, वो कांग्रेस की प्रवक्ता है और इनका नाम है प्रियंका चतुर्वेदी। और हमारे बीजेपी के और कई साथी गण यहाँ उपस्थित हैं, शहादत पर सियासत कर रहे हैं। और जवान इतनी कैंची की तरह चलती है कि अगर ज्ञानी व्यक्ति नहीं हो तो अपना औकात भूल जाएगा और बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये लोग इतने भ्रष्ट हो गए हैं, जिंदगी में इनकी कोई उपलब्धि नहीं है, केवल गाली देना, मजाक उड़ाना, देश के खिलाफ बातें करना और हिंदुस्तान की जो सरहद है, जो पाकिस्तानी आके यहाँ आतंक फैलाते हैं, उनकी बरप्पन करना और हर चीज में ये लोग सबूत मांगते हैं। लेकिन मैं बार बार इनसे पूछना चाहता हूँ, आप इतने घबराइए नहीं, आप शासन में कभी नहीं आएंगे, क्योंकि आप लोग इतने भ्रष्ट और गिरे हुए हैं, शर्म से मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में डूब के। और अगर चुल्लू भर पानी नहीं मिले तो कुछ और चुल्लू भर खोज के मर जाइए। बेशर्मियत का एक हद होता है। नरेंद्र मोदी जी का शिकायत करते हैं, अरे उसके पैर के एक धूल के बराबर तुम्हारे पूरे वंशज और खानदान का नहीं होगा। समझ आनी चाहिए तुम्हें प्रियंका, इतना बेशर्म मत बनो। ये सारे हिंदुस्तान के प्रतिनिधि तुम्हें सुन रहे हैं और तुम्हारी मूर्खता पर हंस रहे हैं। एक सुंदर औरत तुम जरूर है, लेकिन तुम्हारे विचार इतने गिरे हुए हैं कि हिंदुस्तान के जितने भी हमारे नर और नारी हैं, 125 करोड़ हिंदुस्तानी को शर्म हो रही है कि हिंदुस्तान की भूमि जहाँ की शिवाजी महाराज हुए, महाराणा प्रताप हुए, झांसी की रानी हुई और एक से एक पद्मावती हुई, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने जीवन का कोई मूल्य नहीं समझा। और हम रहे न रहे, हमारा देश जिंदाबाद रहे, लेकिन आप लोग इतने गिर गए हैं। सुबह सुबह मैंने सुना था दिग्विजय सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस का एक प्रवक्ता लॉयर, इतना गिर चुका है ये लोग, इतना गिर चुका है कि इसकी आंखें अंधी हो गई है। क्रोध और लोभ में ये इतना नापाक घिरा हुआ है कि इसकी आवाज सुनेंगे तो लगता है कि समाचार सुनना ही बंद कर दे। और ये चैनल वालों से भी मैं अनुरोध करता हूँ, मेरे प्यारे दोस्तों, आप इतने घटिया लोग, देखो ये आगे हरामी, ये कपिल सिब्बल है, ये सबसे बड़ा हरामी है। ये एक बार लंदन में जाके अपने देश के खिलाफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। इतना अगर आप गणतंत्र प्रजातंत्र के नाम पर लोगों को आजादी दे देंगे तो इनके दिल से दिमाग से डर मिट जाएगा, और इनका डर मिट गया तो ये लोग किसी को भी गाली देंगे और देश का सर्वनाश कर डालेंगे, क्योंकि ये क्षेत्र वाले हैं नहीं, क्षेत्रहीन है। अब हमारी ये बहन, भारत की चंडी, भारत की सरस्वती, भारत की लक्ष्मी, ये धर्म से इस्लाम के हैं, लेकिन इनके रग रग में, रोम रोम में, हृदय में भारत माता के लिए जय, वंदे मातरम की भावना है। इसीलिए मैं एक बात पर और इशारा डालना चाहता हूँ, हमारे हिंदुस्तान के भाई और बहनों, बेटी और बेटों, धर्म के नाम से किसी को मत पहचानिए। उनके विचारों के आधार पर उनको तौलिए। और ये हमारी बहन को देखो, हमारी बेटी को देखो, भारत की शान और स्वाभिमान को देखो, और उसके नीचे ये गिरी हुई औरत को देखो। ये हिंदू धर्म की और ब्राह्मण जाति से है, ये प्रियंका चतुर्वेदी है, लेकिन ये इतनी चतुर श्यान है कि सब भूल गई, इतनी गिर गई कि हमारे भारत के सबसे महान शिवाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस ऐसे महावीरों की भर्त्सना करती है ये, अरे उसके पैर के धोन के बराबर है क्या। और ये देखिए, ये लोग निष्पक्ष है, ये निष्पक्ष है, ये किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन इनके दिमाग में संतुलित व्यवहार है, अनुशासन है। और खान है ये, रोमना खान जी, रोमाना खान,
हजार बार आपको सलाम। ये भारतवर्ष आपका सिजदा करता है, अल्लाह अकबर बोलता है आपके लिए, आपको जय हिंद बोलता है, जय भारत माँ की बेटी बोलता है। और हमारा भारतवर्ष फख्र करता है कि यहाँ सारे हिंदू मुसलमान जो काबिल है, बुद्धिमान है, वो सही रास्ते चलते हैं। सत्य एक ही होता है, सत्य बदलता नहीं। ये सेना के पराक्रम पर ये लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, हमें बहुत ही शर्म है। ये लोग राजनीति कर रहे हैं इसीलिए कि मोदी जी की कुर्बानी देख के, इनकी देशभक्ति देख के ये लोग इतने डर गए हैं कि आप सोचते हैं कि इनका तो अभी कोई भ्रष्टाचार, जातिवाद, संप्रदायवाद का कुछ होगा नहीं। और जो भी ये लोग कुछ पैसे चोरी चुहारी से बचा के रखे थे, नोटबंदी में चला गया या किसी गरीबों को दे दिए और उन लोगों को बधुआ मजदूर बना के अभी काम करवा रहे, कैश तो चला गया इनके जेब से। इसीलिए भ्रष्ट दुराचारी अब केवल जवान चलाते हैं तलवार की तरह, कैंची की तरह। प्रिय दोस्तों, मुझे शर्म है लेकिन फिर भी मैं इनको बोलता हूँ, कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता, बुरे हैं हमारे विचार, हमारे व्यवहार। अगर निष्पक्ष भाव से हम किसी को तौले और जो अच्छाई है उसको सच बोले, अच्छा, जो बुरा है उसकी हम थोड़ी सी क्रिटिसिज्म भी कर दें और उसको मौका दे सुधरने के लिए। लेकिन सबका साथ सबका विकास, 125 करोड़ हिंदुस्तानी, 135 करोड़ जो हिंदुस्तानी हैं, हम सब एक हैं। प्रियंका जी मेरी बहन है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और एक बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट महिला है। इनके चमक दमक में भी बहुत जादू है, मैं इनको देखना चाहता हूँ चमक चमक कर जब बातें करती है। और बहुत ही इंटेलिजेंट है, ये सरस्वती की बेटी है, जीवा पर इतनी अच्छी इनकी वकालत है। लेकिन विचार थोड़ा सुधार ले, विचार सुधार ले। देखिए कितनी खूबसूरत है ये, कांग्रेस की प्रवक्ता है लेकिन ये इतने गिर चुके हैं विचारों से कि इनसे मैं नफरत तो किसी इंसान से नहीं करता लेकिन इनके विचारों से मैं कभी सहमत नहीं हो सकता। ये मोदी जी की ऐसी गाली देती है ये, और इनका जो दीवाना राहुल है वो लवरा लुच्चा लफंगा, अकल तो है नहीं उस बेवकूफ को, जन्म से नेहरू का पोता पोती नाती खानदान में पैदा लिया लेकिन वो बैंकरप्ट है, मोदी को चोर बोलता है। अरे बेवकूफ, मोदी का जूता पॉलिश करो, उनके तालवे सहलाओ और कुछ सीख लो, और अगर ज्ञान आ जाएगा तो मोदी के आशीर्वाद से एक दिन तुम जरूर प्राइम मिनिस्टर बनेगा। लेकिन तुम्हारी बुद्धि जो क्षुद्र बुद्धि है उससे तो तुम ज्योति, कोई ज्योति जला नहीं सके अपने जीवन में। अज्ञानता के अंधकार में भटकते हुए तुम्हारा कभी भी भविष्य उज्ज्वल नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हें ज्ञान नहीं है। हमारे भारत माता की 125 करोड़ हिंदुस्तानी जग चुके हैं, उनको देश का एक सेवक चाहिए जो जोर जोर से बोले, सिनाद करके बोले, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, ये देश माता, भारत माता, तुम्हें कभी मिटने नहीं दूंगा, तुम्हारी मान स्वमान को कभी मैं झुकने नहीं दूंगा, हम रहे न रहे ये भारत माँ जिंदा रहे, ये देश हमारा है, ये देश की माता और बहन हमारी है, इनके लिए हमारा हर पल हर क्षण श्वेत रक्त और सब कुछ समर्पित है। प्रियंका जी आपको मैं निवेदन करता हूँ, संबित पात्रा जी आपसे भी निवेदन करता हूँ और सारे भारतवासियों से निवेदन करता हूँ, हम सब एक हैं, विचार बदल लें, सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा के पथ पर चलते हुए। हम तो अपने पड़ोसी पाकिस्तानी बहन बेटियों को भी प्यार करते हैं, बहनों और भाइयों सबको गले लगाने को लिए तैयार है, उनको मैं अपना जय हिंदुस्तान तो जय पाकिस्तान बोलता हूँ। जय हिंदुस्तान के वासी, जय पाकिस्तान के वासी, हम तो हिंदुस्तानी हैं, हमारा संकल्प है, हमारा संकल्प है मातृवत परदे रेसु, हमारा शपथ है वसुधैव कुटुंबकम। रोमानाज की, रोमाना की जय, रोमाना सिस्टर की जय हो, रोमाना जुग जुग जियो, ये देश तुम पर गौर करता है और साल से तेरी सम्मान में आंसू निकालता है। जय हो महाराज, धन्यवाद,
आपके जैसी बेटी हमारे हिंदुस्तान की सरहद में है, जमीन में है, जो कि झांसी की रानी है, लक्ष्मीबाई है। सतनमन सलूट करता हूँ ये देश प्रेमी, ये देश का सेवक, आपके लिए अल्लाह से, आपके लिए अल्लाह से दुआ मांगता है कि आप जैसी बेटियां हिंदुस्तान में बार बार पैदा लें। धन्यवाद।